बिहार में मुजफ्फरपुर पटना के बाद बक्सर के बाल सुधार गृह के इंतजाम भी अब सवालों के दायरे में हैं। रिपीट, समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित बक्सर बाल सुधार गृह से दो बच्चे फरार हो गए। बाल सुधार गृह में रहने वाले दो बच्चों ने जान की परवाह किए बिना 20 फीट ऊंची छत से छलांग लगा दी। एक बच्चे के पैर में गंभीर चोट आई है, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने संजय कुमार और इरफान आलम को रोका और बाल सुधार गृह को सौंप दिया। इधर दोनों बच्चे मारपीट और खाना नहीं देने का आरोप स्टाफ पर लगा रहे हैं। वाले सर एकदम जब नहीं पढ़ते नहीं मारता एकदम जोर से बोलो इधर देखो के मोबाइल के हमेशा मारपीट करते हैं तार से और कैमरा वाले तार को लपेट के जोर से मारते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं मार के पीट फाड़ दे उनका ही बोलते रहते हैं। तो तुम लोग भागे क्यों थे? कोई बाहर से तो मत बोला करो बात। अच्छा तो अब भागे क्यों थे तुम लोग? मारता था खाना खराब देता था इसीलिए भागे। जब खाने का टाइम होता है तो बोलते हैं ना तो नहीं लेता उल्टा मारता है। ओ खाना बंद कर देता है ओ। ज्यादा बोलता है उसका खाना बंद कर देता है। कितना दिन से मारपीट कर रहा है लोग? बहुत दिन से कर रहा है। और भी बच्चा लोग को मारता है? बहुत बटन को मारता है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, डरा दिया है अंदर में सब। कोई नहीं बोलता है डर से? क्या नाम है उनका जो मारते हैं? शाहिद सर मारते हैं। आशा दीदी अच्छा मरवाती हैं, सब लोग मिल के मारता है। वहीं मासूम बच्चों के आरोप को मोहम्मद शाहिद ने सिरे से खारिज कर दिया। शाहिद ने उल्टे बच्चों पर ही हमेशा शैतानी करने का आरोप लगाया है। ऐसा कोई मामला नहीं है सर, हम लोग न मारते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मारना यहाँ पर अलाउ नहीं है। बच्चे को सिर्फ हम लोग समझा सकते हैं, उसको कोई अगर डांट हल्का डांट सकते हैं अगर कोई परेशानी हो रहा है तो। बच्चे बहुत ही उधर्ण हैं, बहुत ही परेशान करते हैं। और अभी हम सब्जी लाने गए थे और जो एक सर है वो चाबी लेके ऊपर गए थे और इसी बीच में जो है वो दोनों बच्चे भागे हैं जी। फिर कैसे बच्चे पकड़े गए? जी कैसे बच्चे पकड़े गए? सर हम नहीं थे, हम सब्जी लाए हुए गए थे, ये हमको नहीं मालूम कि बच्चे यहाँ पर के लोगों ने पकड़ा, ये हमको पता चल रहा है। लेकिन बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के अलावे और भी जो स्टाफ है वो भी मारपीट करती हैं बच्चों के सर, साथ। आप स्टाफ से भी पूछ सकते हैं, हमसे भी पूछ लीजिए। हम बच्चों का जो आरोप है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या गलत आरोप है या सही आरोप है? बिल्कुल गलत आरोप है सर, दो बच्चे बोल रहे हैं, बाकी सारे बच्चे और सारे स्टाफ से आप लोग पूछ सकते हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। राजपुर CDPO ने तुरंत बाल सुधार गृह का जायजा लिया। वहीं बाल संरक्षण पदाधिकारी नितेश कुमार भी आनन फानन में बाल संरक्षण गृह पहुंच गए। नितेश कुमार ने कहा कि बच्चों के आरोपों की जांच की जा रही है। देखिए इनिशियल दौर में कुछ भी कहना मुश्किल है, मैं अभी पहले पूरी तरह बात कर लूँ सबसे, उसके बाद जैसा होगा तभी मैं बताऊँ। लेकिन बच्चे क्या आरोप लगा रहे हैं सर ये तो? हाँ बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि जैसे कि हमारे साथ एक संबंधित व्यक्ति ने मारपीट की है या हमको डराते हैं, इसी की जाँच हो रही है। बच्चे भागे थे सर, ऐसी क्यों घटना ऐसे हो पाई, बच्चे क्या बता रहे? अब ये तो हम जांच के बाद ही बता रहे, ठीक है जांच का मतलब आप दो। मासूम बच्चे बेवजह किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, इसीलिए आला अधिकारियों को जल्द से जल्द बाल सुधार गृह के हालात को सुधारना चाहिए। बक्सर से संजय उपाध्याय, पंजाब केसरी TV।